सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने और सचिन पायलट साहब जो कि हमारे डिप्टी सीएम हैं और टोंक के विधायक हैं, उन्होंने मुझे एक युवा को मौका दिया और बहुत खुशी मुझे इस वक्त हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि अब जो सचिन पायलट जी ने हमें ये जिम्मेदारी दी है उसको पूरा हम लोग अपनी दिल से पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। टोंक का पूरा विकास होगा और सब लोग जितने भी हमारे वार्ड के हैं सब लोगों ने वोट दिए हम लोगों को और हमारे पार्षद भाई सब जीत कर आए अच्छे वोटों से, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मण जी घाता जी जो हैं उनका बहुत धन्यवाद जो कि, और सऊद भाई का, उन सब ने बहुत मेहनत करी। और क्या रहेगा विकास का पैमाना टोंक के लिए? देखिए सबसे पहले टोंक का विकास तो शुरू हो चुका है। अभी अभी कल की खबर है कि एक मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए का टोंक में पास हो गया है, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई। और उसके अब ये विकास की शुरुआत हो चुकी है और हमारा जो विज़न है पायलट साहब का, हमें उस पर ही काम करना है। जितने भी मतलब बीजेपी का भी वार्ड होगा हम उसमें भी काम को देखेंगे, ये नहीं होगा कोई फ़र्क हो रहा है किसी चीज़ का, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और टोंक के सब लोगों का दिल जीतना है और ईमानदारी से काम। ड्रीम प्रोजेक्ट बताएं, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कि ये टोंक के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। जी मेरा प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट कि ग्रीनरी का मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ कि ट्री का अपन उसमें हम प्लान करेंगे, हरियाली हो, ग्रीनरी। जी बड़ा काम बताएं, नगर एक मिनट, नगर परिषद में भ्रष्टाचार, सिवरेज का है काम यहाँ पे टोंक में, वो करवाना है जो रुक गया था, और क्लीन और ग्रीन ये टोंक का। चेयरमैन साहब सबसे पहले नगर परिषद में भी आप भ्रष्टाचार को कैसे निपटेंगे? आप एसबीएम घोटाले का एक बड़ा दाग टोंक के ऊपर है, राजस्थान की स्टेट से लेकर टोंक तक जांच चल रही है, इसमें क्या रहेगा? ऐसी अगर कोई हमारे पास शिकायत आती है और पता चलता है तो उसका पूरा पूरा हम रखेंगे, जाँच करवाएंगे।